रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह ताला सबको अपने ख़जानों की तमाम भलाइयों से नवाजे और हर किस्म की बुराइयों और शरों से अल्लाह महफूज फरमाए। हाँ जी मेरी अज़ीज़ बहनों बेटियों, ये जो कलमात हैं मैं आपके सामने अदा कर रही हूँ, इनको सुबह शाम पढ़ेंगे तो मेरी अजीज़ा जिसको आज के वक़्त में बर्दाश्त करने की हमें कुव्वत नहीं है, इंशाअल्लाहुल अज़ीम जो है उससे आपको जो है आसानियाँ हो जाएंगी। अब मैं इसको इन कलमात को दोहराती हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إله جبريل وميكائيل وميكائيل وإسرافيل وإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عافني ولا تسلطن أحدا من خلقك علي بشيء إلا طاقت لي به। ये इतने प्यारे कलमात थे खसूसन ऐसे शख्स के लिए जिसको किसी बड़े के जुल्म का खौफ हर वक्त लगा रहता हो, मसलन अपने मैनेजर का, अपने निगरान का, या शोहर को अपनी बीवी का, या बीवी को शोहर का, बहू को अपनी सास का, और मुख्तलिफ घबराहटें और परेशानियों के मौका पर मसलन थाना, हस्पताल, अदालत वगैरह की परेशानियों से बचने के लिए ये कलमात बहुत ही बेहतरीन जो है दुआयां हैं। अपने बच्चों को भी याद करवाइए और ख़ुद भी कीजिए, अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक अता फरमाए। तो इसके मैं मानी भी बोलती हूँ, इसको तीन दफ़ा या सात दफ़ा दोहराना है। اللهم إله جبريل وميكائيل وإسرافيل اے اللہ جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل کے معبود اور ابراہیم و الہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود आफिनी तू मुझे आफियत दे, वला तुसल्लितन्ना अहदम मिन खल्किका अलैया बिशै ला ताकता ली भी, और मेरे ऊपर अपनी मखलूक में से किसी को भी किसी ऐसी चीज के साथ मुसल्लत न कर जिसकी मदाफत करने या बर्दाश्त करने की मुझ में ताकत नहीं। आमीन या रब्बुल आलमीन व आखिरु दवाना इन्ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हमें खूब अपने खजानों से दुआएं मांगने की तौफीक अता फरमाए और कबूलियत का शरफ दे।